साथियों आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच खुशबू कुमारी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए BISF के लिए सेलेक्ट हुई है, इसके लिए जोरदार ताली से इनका स्वागत करना चाहूंगा। और जो खुशबू कुमारी हमारे बीच यहां पे खड़ी है और ये आपको बताएगी बिहार पुलिस के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया है और कितना मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया। आज गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए लोग पागल है, लेकिन हमारे घर की लड़की फिजिकल में, मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये रिटर्न जब क्वालिफाई इनका नहीं हुआ था तो दिन रात हमारे क्लासेस में आके, कोचिंग में आके बैठी रहती थी और पूछती थी सर मैं क्या पढूं। तो मैंने इसे बहुत सारे बुक भी दिया पढ़ने के लिए और उसके बाद जब रिटर्न का एग्जाम हुआ तो भी ये डाउटफुल थी कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद इतनी खुश हुई और फिजिकल के लिए जब हमारे पास आई तो ये दिन रात हमें कॉल करके परेशान करती थी, सर मेरा गोला कैसे बढ़िया होगा, हाई जंप कैसे बढ़िया होगा, रनिंग कैसे बढ़िया होगा। उसके बाद खुशबू कुमारी ने एक इतिहास रचा, यानी कि 100 में 100 अंक प्राप्त किया। उसके बाद बिहार पुलिस BISF के लिए क्वालिफाई किया। तो खुशबू बताएगी अपने संघर्ष की कहानी, किस तरीके से खुशबू ने मेहनत की है अपने लाइफ में, कहां से बिलोंग करती है, इनके पिताजी क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, ये बताएगी अपने बारे में। तो खुशबू आप आज खुश है? यस सर। आप क्या बताना चाहेंगे आने वाले लड़कों को जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करना, मेरा नाम खुशबू कुमारी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे फादर्स कॉलेज में क्लर्क हैं और ऐसे साइड से बिजनेस करते हैं, मेरे भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं जब पहले मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करती थी तो जब इसका वैकेंसी निकला तो सर उस टाइम BSC न्यू ज्वाइन किए थे, तो मैं सर से बोली तो सर बोले ठीक है तैयारी हो जाएगा। उसके बाद जो जो हमको हेल्प चाहिए था सब सर हमको प्रोवाइड करवाए। उसके बाद इनके कहे जो जो बोले, उसके बाद रिटेन का मेरा एग्ज़ाम जब क्लियर हो गया तो सर को बोली फिजिकल के लिए, तो सर बोले कि ठीक है ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। हमको इतना डाउट रहता था होएगा, क्योंकि इसका तो फिजिकल थोड़ा टफ है ही। उसके बाद सर बोले ठीक है चलो हम करवा देंगे। तो 10 दिन में हम 4 फीट हाई जंप क्लियर किए। जोरदार ताली। 4 फीट हाई जंप मारने के लिए लड़के परेशान रहते हैं दिन रात और उनसे पूरा नहीं हो पाता है। हमारी बहन, हमारे कहा जाता है ना कि भारत की जो धरती है वो वीरों से खाली नहीं है और हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो हम लोग सारे अपनी बहन को, बेटी को बिल्कुल बढ़ावा देंगे तो वो सफलता की ओर बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है खुशबू कुमारी, जो आज बिहार पुलिस को ज्वाइन करके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग होने वाला है। तो आप बताओ और डिटेल अपने बारे में। और उसके बाद मेरा सबसे वीक पॉइंट था गोला, और इसमें गोला था 16+, जब फेंकिएगा तभी 25 मार्क्स इसमें था, तो फिर मेरे से जाता नहीं था तो सर हमको स्टेप बताए कि ऐसे ऐसे फेंको आ जाएगा। सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं फेंकी तो मेरा 10 फीट 9 फीट ऐसे जाता था, धीरे धीरे करते करते लास्ट टाइम मेरा वहाँ जाकर मेरा 17 गोला गया, उसमें मेरा आ गया फुल मार्क्स। और रनिंग में था तो लास्ट टाइम सर हमको खिंचवा अच्छे से, तो मेरा रनिंग में भी फुल मार्क्स आ गया। और मेरा लास्ट जब मैं टाइमिंग लगाकर रनिंग की तो मेरा 3:30 में रनिंग आ गया था 1 किलोमीटर। और यही कहना चाहूँगी कि यदि रिजल्ट लेना है तो सर के यहाँ आइए, सर बहुत अच्छे करवाते हैं और यहाँ से रिजल्ट सुनिश्चित है आप लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपने अलॉट किया था BISF के लिए, जो आपने टिक किया था, वो आपको मिल चुका है BISF। yes, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है? बेगूसराय। आप पुलिस में नौकरी करने के बाद आप क्या करना चाहती हैं अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए? सबसे पहले तो मैं शिष्टाचारिता तो सब है ही सबके पास, और ये जो धांधली वगैरह ये सब जो होता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है कि पहले तो अनुशासन का ये है और दूसरा है कि धांधली वगैरह ये सब पे थोड़ा ध्यान देंगे। और आप धांधली पे ध्यान देंगी? और जो अपनी बहनें हैं, जो अपनी आपसे जो छोटी बहनें जो तैयारी कर रही है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, कि यदि फोर्स लाइन ज्वाइन करना है तो डिफेंस लाइन का, क्योंकि वर्दी का रुतबा ही कुछ और होता है, अलग लाइन की तुलना में वर्दी का रुतबा ही कुछ और होता है। यदि ये ज्वाइन करना है तो पहले रिटर्न का 25 से कर लीजिए, और यदि फिजिकल इसका टफ होता है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा फिजिकल पे भी ध्यान दिया कीजिए, दोनों साथ लेकर चलिए और हो जाएगा आपको। वेरी गुड, थैंक यू सो मच खुशबू। और आज पर्सनली मैं आपको बता दूं कि मैं इतना खुश होता हूं क्योंकि हमारे जो बहन है, हमारे जो भाई हमारे यहाँ तैयारी करने आए हैं, उनका रिजल्ट होता है
तो एक बड़े भाई की खुशी जो होनी चाहिए वो मुझे होती है। और मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल के लड़के यदि अपने माँ पिताजी के संघर्ष को जान ले, उनके दर्द को जान ले, एक माँ पिताजी उनकी खेती करके, पिताजी गांव में खेती करते हैं, अपने बच्चे को बाहर भेज के पढ़ाते हैं, और इतना संघर्ष करने के बाद यदि बेटा कुछ ना करे तो उनके दिल पे बहुत अजीब सा फील होता है। तो मैं आप सभी नौजवान साथियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी दिन रात मेहनत करो, लग के मेहनत करो। एक बार पिताजी आपको अगर कुछ बोलते हैं ना, जब पिताजी की कमी तब महसूस होती है जब पिताजी नहीं होते हैं। तो आप सभी अपने पिताजी के लिए कम से कम उनके चेहरा देख के अपने आप को रगड़ दो। जितना रगड़ा खाओगे ना उतना ही तगड़ा बनोगे, ये फौज की कहावत है। और आप सभी उसी हिसाब से मेहनत करो। ये बॉडी है दोस्त, ये मिट्टी का बना है, इसको जितना रगड़ोगे ना उतना चमक आएगा इसमें। तो उसी हिसाब से आप सभी मेहनत करें। और बिहार पुलिस जो नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी जो है, और उसके बाद जो टीए रैली भर्ती है, उसके लिए हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीपीओ, बिहार दारोगा, स्पेशल बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है। आप सभी हमारे यहाँ आए और रिजल्ट को सुनिश्चित करें। जय हिंद साथियों।